हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है कि जो हमारा लेंज ला वो अवे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि हमारी जो टोटल सिस्टम की एनर्जी है वो हर टाइम क्या रहती है, कंजर्व रहती है। सो जो हमारा लेंज ला है, जैसा पहले हमने देखा कि हम क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, ये अपनी एनर्जी का यूज कहां पर कर रही थी, कहां पर, उसमें जो है क्या करने के लिए, ईएमएफ इंड्यूस कराने के लिए। मतलब कि जो है मैग्नेट है वो अपनी एनर्जी का यूज कहां पर कर रहा है, क्या बनाने के लिए, इंड्यूस करने के लिए, क्या, ईएमएफ। और जो है ईएमएफ है वो फिर से क्या कर रही है, वापिस जो है अपनी जो है अपने अंदर करंट बनाकर, अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाकर क्या कर रही है, इस मैग्नेट के ऊपर फिर से क्या कर रही है, एनर्जी क्या कर रही है, अप्लाई कर रही है, ताकि वो क्या कर सके, उसके जो है मोशन को क्या कर सके, अपोज कर सके। तो आप क्या देख पा रहे हैं, मैग्नेट जो है कॉइल पे फोर्स लगा रहा है ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए, और फिर से जो है ईएमएफ है वो फिर से वापिस जो है मैग्नेट पे क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है, ताकि वो उसके मोशन को क्या कर सके, अपोज कर सके। सो सिंपली कहे तो यहाँ पर जितनी एनर्जी इसने इसको दी थी उतनी ही एनर्जी से वो क्या कर रहा है, उस मैग्नेट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है उसके मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को। सो सिंपली कहे ये क्या कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या कर रहा है, अवे कर रहा है। पहले मान लीजिए हमने जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंक जो है वो क्या था, कोयल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक तो था, लेकिन हमने क्या किया उस पर, क्या किया, कोई भी मोशन नहीं किया। तो मोशन नहीं किया तो ये सिंपली उस पर कोई फोर्स जो है अप्लाई नहीं कर रहा, कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही थी। सिंपली कहे तो ये अपनी एनर्जी यूज कितनी कर रहा था, जीरो, और इसमें जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ वो भी कितनी थी, जीरो। और ये अगर इसमें ईएमएफ इंड्यूस जीरो है, इसमें कोई करंट नहीं बनेगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, तो ये वापिस उसको एनर्जी देगी वो भी कितनी थी, जीरो। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, उसका जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंक वो क्या किया, उसे चेंज किया, तो इसमें क्या किया, इसने जो है अपनी एनर्जी का यूज कहां पर कर दिया, एनर्जी यूज्ड कहां पर कर दी, उसने अपनी ईएमएफ इंड्यूस करने में। लेकिन जैसे ही उसमें जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई, उसमें क्या बना, कॉइल में करंट बना, करंट के कारण उसका भी क्या बना, जो है मैग्नेटिक फील्ड बना, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसने फिर से जो है वापिस अपनी एनर्जी का यूज किया, किसके लिए, अपोज को क्या करने के लिए, रोकने के लिए। तो ये हमें क्या बता रहा है कि जो हमारा है लेंज लॉ है वो क्या कर रहा है, अवे कर रहा है किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। हमारा मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर है उसमें पढ़ा था लेफ्ट हैंड रूल, उसमें क्या देखते थे हम, अगर जो है हम जो है हमारी फिंगर है उसे कहां पर रखें, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जो हमारी ये फिंगर है इसे हम जो कहां पर रखें, हमारे करंट की डायरेक्शन में, तो हमारा जो है थंब था वो क्या बताता था हमें, मोशन ऑफ कंडक्टर। सिंपली देखे तो लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता था कि जो मोशन ऑफ कंडक्टर है वो किस तरफ होगा। लेकिन जो हमारा राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल में भी सभी कुछ वैसा है कि अगर हम जो है तीनों जो है हमारी फिंगर्स है इनको क्या रखें, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखें, और जो हमारी जो है इंडेक्स फिंगर है उसको कहां पर रखें, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और जो थंब है उसको कहां पर रखें, मोशन ऑफ कंडक्टर पे। तो जो हमारी जो है मिडल फिंगर है वो क्या बताएगी हमें, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो हमारा इंड्यूस्ड करंट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में है। सिंपली कहे जो हमारा लेफ्ट हैंड रूल था वो हमें क्या बताता था कि मोशन ऑफ कंडक्टर किस डायरेक्शन में होगा, उसमें जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट दिया होता था। लेकिन जो हमारा राइट हैंड थंब रूल है इसमें जो है हमें क्या दिया होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मोशन ऑफ कंडक्टर दिया होता है। और हम क्या देखते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन, जैसे सिंपली कहे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो सिंपली कहे मान लीजिए अगर जो है हमारी जो है राइट हैंड थंब रूल है, जो हमारा यह है राइट हैंड है और यह है जो है इसकी तीनों क्या है, फिंगर्स हैं। तो मान लीजिए यह हमारी जो है कौन सी इंडेक्स फिंगर है, यह हमारी कौन सी है मिडल फिंगर है, और यह क्या है हमारा थंब है। तो अगर मान लीजिए जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एम जो है इस डायरेक्शन में है, मोशन ऑफ कंडक्टर किस तरफ है, इस डायरेक्शन में है मोशन ऑफ कंडक्टर, तो हमारा जो है इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट है वो किस डायरेक्शन में होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इस तरफ होगा। तो सिंपली देखे हमने जो है कुछ जो है एक्सपेरिमेंटल जो क्या की है, वेरिफिकेशन भी की है। जैसे कि मान लीजिए अगर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, देख लीजिए अगर मान लीजिए हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, मोशन ऑफ कंडक्टर जो हमारा कुछ इस डायरेक्शन में है, तो जो हमारा इंड्यूस्ड करंट है वो किस तरफ होगा, अंदर की तरफ। तो इसके अंदर की तरफ क्या होगा हमारा, इंड्यूस्ड करंट आई। तो अगर हम इस पर देखें तो हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, कुछ इस तरफ है, मोशन ऑफ कंडक्टर किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो हमारा जो है इंड्यूस्ड करंट है आई वो किस तरफ होगा, यहां पर बाहर की तरफ होगा। इसमें देख लीजिए मान लीजिए अगर जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, कुछ इस तरह है नीचे की ओर, अगर जो हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह है, तो हमारा जो मोशन ऑफ कंडक्टर है
सॉरी अगर हम हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, मोशन ऑफ कंडक्टर हमारा कुछ इस तरफ है, तो जो हमारा इंड्यूस्ड करंट है वो किस तरफ होगा, फिर से क्या होगा अंदर की तरफ आई। सो ये है क्या जो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसकी, राइट हैंड थंब रूल की। राइट हैंड थंब रूल हमें मेनली क्या बताता है कि जो हमारा इंड्यूस्ड करंट है वो किस तरफ होगा अगर जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड और किसकी जो है मोशन ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन क्या हो गिवन हो। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हमारा क्या है राइट हैंड है वो क्या है उसमें जो हमारी जो ये कौन सी फिंगर है इंडेक्स फिंगर, जो सबसे बड़ी वाली फिंगर होती है, ये हमारी कौन सी फिंगर है मिडल फिंगर, मिडल फिंगर कौन सी ये वाली, और जो ये हमारा कौन सा क्या है थंब है। सबसे पहले तो आप क्या देख पा रहे हैं राइट हैंड में जो है थंब और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है 90 डिग्री, दोनों में एंगल कौन सा है 90 डिग्री में, और हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड और उसमें जो है हमारी मिडल फिंगर उसमें कौन सा एंगल है 90 डिग्री का। सो तीनों सिंपली कहे क्या है एक दूसरे के क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सो सिंपली कहे अगर मैग्नेटिक फील्ड की जो है हमारे डायरेक्शन यहाँ पर मान ली और थंब की जो डायरेक्शन है थंब सिंपली कहे तो मोशन ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन कहाँ पर है ऊपर की तरफ, तो जो हमारा करंट है इंड्यूस वो किस तरफ होगा बाहर की तरफ इस तरफ होगा। तो अगर आप मान लीजिए जो है कंडक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है लेकिन हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर कर दी है इस साइड पर कर दी है, तो जो हमारा इंड्यूस करंट है वो पहले केस में कहाँ पर था बाहर की तरफ था, लेकिन इस केस में क्या होगा अंदर की तरफ होगा हमारा इंड्यूस करंट आई। सो ये था हमारा लेफ्ट हैंड थंब रूल, सॉरी राइट हैंड थंब रूल। जैसा कि हम जो है लेंज़ लॉ में जाते हैं हम क्या कर रहे थे वर्क डन कर रहे थे किसके ऊपर जो है हमारा मोशन करवाने के लिए किसका मैग्नेट का, तो उसमें हमने क्या की थी कुछ ना कुछ जो क्या की थी एनर्जी क्या की थी स्पेंड की थी, तो इसमें क्या है एनर्जी कंसिडरेशन। सो अगर हम कहें कि पूरी एनर्जी जो है कंजर्व रहती है किसी भी चीज में तो वो तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो है हमारी इस जो है हमारे यूनिवर्स में जो है हमारी जो है एफिशिएंसी है किसी भी चीज की वो 100% नहीं होती। तो अगर किसी भी चीज की जो है एफिशिएंसी है वो 100% नहीं है इसका मतलब है जो है किसी भी की जो है एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती पूरी तरह, कुछ ना कुछ एनर्जी चाहे वो हम कहते हैं साउंड में चाहे वो कहते हैं हीट में चाहे वो कहते हैं इलेक्ट्रिकल में किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी क्या हो जाती है हमारी डिसिपेट हो जाती है। तो इसी में हम जो है यही पढ़ेंगे तो कैसी जो है हमारी जो है एनर्जी कंसिडरेशन होती है, या सिंपली कहे एनर्जी जो हमारी लूज होती है जब जो है हम इमोशनल जो है ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं। सो जब जो है हमने इस मैग्नेट पे क्या किया वर्क डन किया इसे क्या करवाया मूव करवाया, तो इसमें क्या हुई इंड्यूस क्या हुई ईएमएफ। तो हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा वोल्टेज का क्या फार्मूला होता है आई इंटू आर, जहां पर आई जो है हमारा क्या होता है करंट और आर क्या होती है रेजिस्टेंस होती है, लेकिन जहां पर जो हमारी वोल्टेज नहीं है क्या है हमारी ईएमएफ है, सो ई किसके बराबर आ गया आई इंटू आर। तो इसमें जो है हम जो है अगर इसमें करंट निकालना चाहे कि कितना करंट बना है इस कॉइल में तो वो कितना आ गया ई ओवर आर, और सिंपली कहें जो हमारी ईएमएफ है वो कैसे इंड्यूस्ड हुई थी, इसमें हमारी जो ईएमएफ है हमने क्या किया था ये जो है मैग्नेट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड थी एल जो है क्या थी इस मैग्नेट की लेंथ, और इसको क्या किया था हमने मूव किया था किसके साथ वेलोसिटी वी के साथ, तो इसमें क्या हुई थी हमारी ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई थी। तो सिंपली कहे जो है इसमें जो है ईएमएफ की वैल्यू वो कितनी है हमारी वी इंटू एल इंटू वी, क्योंकि जितनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगा ईएमएफ उतनी ही ज्यादा होगी, या सिंपली कहे जितनी ज्यादा लेंथ होगी जो है हमारी मैग्नेट की उसमें जो है डाइपोल उतने ज्यादा होंगे उसमें एटम उतने ज्यादा होंगे, सिंपली कहे उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी, और बी अगर जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो हमारी ईएमएफ इंड्यूस भी क्या होगी ज्यादा होगी। तो सिंपली अगर हम जो है इस ई की वैल्यू ईएमएफ की वैल्यू इस इक्वेशन में भर दें तो हमारा आई किसके बराबर आ गया वी इंटू एल इंटू वी ओवर आर के, तो इसके बराबर जो हमारा क्या आ गया करंट आ गया। जैसे ही जो है इसमें क्या हुआ इंड्यूस हुआ क्या करंट, और जो है इंड्यूस्ड हुआ उसके कारण क्या बना इसमें भी क्या बना मैग्नेटिक फील्ड बना, तो ये भी क्या हो गया एप्लीकेबल हो गया किसे दूसरे के ऊपर क्या लगाने के लिए फोर्स लगाने के लिए। तो हम जानते हैं जब भी जो है किसी जो है हमारे जो है कंडक्टर है जिसमें करंट चलता है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसके ऊपर क्या लगती है एक फोर्स लगती है, उस फोर्स की जो वैल्यू क्या होती है विल। तो हमारी जो वैल्यू है जब भी जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड में जो है हम क्या रखते हैं ऐसा कंडक्टर रखते हैं जिसमें क्या कर रहा है आई करंट फ्लो कर रहा है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है विल। सो यहां पर अगर हम सिंपली आई की वैल्यू भरें तो क्या आएगा हमारा वी इंटू वी
इंटू एल इंटू वी ओवर आर इंटू एल। तो सिंपली कहें हमारी फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, बी स्केयर एल स्केयर वी ओवर आर। तो ये वैल्यू आ गई हमारी फोर्स की। तो अगर हम देखें जो हमारी इसमें जो है पावर कितनी लगी हमारी उस मैग्नेट को मूव करवाने के लिए, तो क्या हमने क्या किया, पावर कितनी आएगी हमारी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। क्योंकि यहां पर जो है हम अपनी पावर का यूज कहां पर कर रहे हैं, मैग्नेट को क्या करवाने के लिए, मूव करवाने के लिए, कितनी वेलोसिटी के साथ, वी वेलोसिटी के साथ। सो सिंपली यहां पर अगर हम जो है फोर्स की वैल्यू भरे तो हमारी जो है नेट जो है पावर कितने किसके बराबर आ गई, वी स्केयर एल स्केयर बी स्केयर ओवर आर के। तो हमें पता है कि जब जो है इसमें क्या हो रहा है, करंट बन रहा है, करंट क्या है तो कुछ ना कुछ वायर की क्या है, कॉइल की रेजिस्टेंस भी है। तो सिंपली कहें जहां पर हमारी जो है एनर्जी कहां पर डिसिपेट हो रही होगी ज्यादा, किसमें, हीटिंग एनर्जी में। तो जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हमारी जो क्या है पावर डिसिपेशन, जो हमने पावर डिसिपेशन पढ़ी थी जूल्स लॉ में वो कितनी होती थी उसकी वैल्यू आई स्क्वायर आर की। सो पावर डिसिपेशन ड्यू टू थर्मल एनर्जी हमारी कितनी होगी, आई स्क्वायर ओवर आर, क्योंकि जितनी ही ज्यादा हमारे क्या होगा करंट होगा, जितना ज्यादा हमारा करंट होगा उसमें जो है हीटिंग इफेक्ट क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा, और जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी वो तो है उसमें जो है उतना ही ज्यादा क्या होगा हीटिंग इफेक्ट उसमें भी क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। तो इन दोनों के प्रोडक्ट के में जितनी ज्यादा वैल्यू आएगी उसमें जो है हीटिंग इफेक्ट क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा, पावर डिसिपेशन। सो हमारी पावर डिसिपेशन ड्यू टू थर्मल एनर्जी में या ड्यू पावर डिसिपेशन इन थर्मल एनर्जी में पावर डिसिपेशन कितनी होगी, आई स्क्वायर आर, क्योंकि जो हमारा जितना ज्यादा करंट होगा जो है हीटिंग में हमारा उतनी ज्यादा पावर डिसिपेट होगी, या जितनी ज्यादा हमारी रेजिस्टेंस होगी स्मॉल आर उतनी ही ज्यादा जो है हमारी क्या होगी पावर डिसिपेशन होगी। सो आई की वैल्यू अगर हम सिंपली यहां पर भरे बी एल वी ओवर आर होल स्केयर आर, सो बी स्केयर एल स्केयर बी स्केयर आर स्केयर इंटू आर और आर के साथ आर कैंसिल। सो हमारी जो है पावर डिसिपेशन की वैल्यू है वो कितनी आ गई, बी स्केयर एल स्केयर वी स्केयर ओवर आर। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि जो पावर डिसिपेशन आई स्केयर आर वो कैसे आया, हमें पता है जो हमारी हीटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्केयर आर टी। और अगर हम यहाँ पर पावर निकालें तो पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो आई स्केयर आर टी ओवर टी, टी किसे टी कैंसिल हो गया, तो हमारी जो पावर डिसिपेशन है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, आई स्क्वायर आर। तो ये है हमारी क्या एनर्जी कंसीडरेशन ऑफ जो है मोशनल ईएमएफ की, जब हम क्या करते हैं वर्क डन करते हैं उसको मूव करवाने के लिए मैग्नेट, और वो क्या करता है उसमें भी हमारी क्या है एनर्जी क्या होती है, लूज होती है, और जब जो है हमारा जो है करंट बनता है किसमें, कॉयल में, कॉयल की कुछ ना कुछ क्या है रेजिस्टेंस है। सो रेजिस्टेंस के कारण थर्मल एनर्जी भी हमारी क्या होती है जो है कंज्यूम होती है, तो और हमारी जो है रेजिस्टेंस के कारण भी क्या होती है उसकी थर्मल एनर्जी कंज्यूम होती है, और करंट के कारण जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी हमारी हीटिंग होगी, और उसमें भी क्या है हमारी एनर्जी क्या होती है लूज होती है।